हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस योर वर्कशीट नंबर 73 क्लास नाइन्थ साइंस इंग्लिश मीडियम फॉर द डेट थर्टी दिसंबर टूडे विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ डिजीजेस वन ऑफ माय फ्रेंड टुक थ्री मंथ्स लीव फ्रॉम स्कूल टू रिकवर फ्रॉम टीबी बी ट्यूबर क्लॉसिस बट मोस्ट ऑफ अस रिकवर फ्रॉम इलनेस इन ए फ्यू डेज मेरे एक दोस्त ने तीन महीने की छुट्टी ली जिसको कि टी हो गई थी ट्यूबर क्लॉसिस सो द डिजीज लाइक ट्यूबर क्लोसिस डायबिटीज थारॉयड कैंसर डैमेज और हेल्थ बैडली एज दे कैन नॉट बी ट्रीटेड इन फ्यू डेज सच डिजीज लास्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड डिजीज विच लास्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर कोल्ड क्रॉनिक डिजीज ऐसी बीमारियां जिनको ठीक होने में लंबा समय लगता है उनको क्रॉनिक डिजीज कहा जाता है बट इफ यू हैव कॉमन कोल्ड एंड कफ फीवर हेड एक् एंड कंजेक्टिवाइटिस आंखों की बीमारी दे कैन बी ट्रीटेड इन फ्यू डेज द डिजीज़ देट लास्ट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज नोन एज एक्यूट डिजीज़ ऐसी बीमारियाँ जो जल्दी होती हैं और जल्दी ठीक हो जाती हैं उनको एक्यूट डिजीज कहा जाता है और दे डू नॉट कॉज एनी परमानेंट डेमेज टू अवर बॉडी और इनसे हमारे शरीर पर कुछ दुष्प्रभाव भी नहीं रहता है सो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज कैन बी कैटेगराइज इंटू टू कॉम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कॉम्युनिकेबल डिजीजेज

वायरल डिजीज जैसे कोल्ड इन्फ्लुएंजा कोविड डेंगू एड्स एक्सेट्रा साहस वायरस कोसिस रेस्परेटरी सिंड्रोम फंगल डिजीजेसिक स्किन डिजीज करते हैं प्रोटोजन में मलेरिया कालाजर प्लाजमोडियम वायोवैक्स प्रोटोजा कोस मलेरिया लेस्मेनिया कोसिस कालाजा तो ये जो है आपको याद करना है और एक क्वेश्चन में भी आपको आंसर में लिखने हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस द डिजीज दैट डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर लाइक हाई ब्लड प्रेशर डायबिटीज कैंसर एंड कैटरेक्ट आर कोल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज़ एंड दिज आर ऑल्सो नोन एज नॉन इन्फेक्शियस जो एक से दूसरे में नहीं फैलते हैं जैसे कि डायबिटीज़ है कैंसर है आँखों की बीमारी है नॉन कम्युनिकबल डिजीज़ ज़्यादातर जो है अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से फंक्शन नहीं कर रहे हमारे कोई ऑर्गन ग्लैंडस या न्यूट्रीन डिफिशेंसी या एजिंग ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं वैन वेरी वैन एवर वी हैव एनी डिजीज़ आर बॉडी स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू विन द फॉर्म ऑफ साइन एंड सिम्टम्स फॉर एग्जाम्पल हेड एक लूज मोशन कॉफ एंड फीवर आर सम दिमटम्स ऑफ कोविड एंड स्वेलिंग इन नेक इज़ ए सिम्टम ऑफ कोटर डिजीज़ तो हर बीमारी के अपने एक सिम्टम्स होते हैं जिससे उसको पहचाना जाता है जो हमें ध्यान रखना चाहिए और जब भी अगर प्रॉब्लम हो तो वी हैव टू विजिट द डॉक्टर क्वेश्चन देखते हैं what are acute and chronic diseases the disease which last for longer duration of time are called chronic diseases like tuberculosis diabetes thyroid cancer the disease that last for short duration of time such as disease are called acute diseases cold cough fever headache and conjunctivitis what are communicable diseases and how do they spread name some communicable diseases and their microbes द डिजीज दट ट्रांसमिट फ्राम पर्सन टू पर्सन आर कोल्ड कम्युनिकेबल और इन्फेक्शस दीज आर कोज बाई सम माइक्रोप्स कल्ड पैथोजन एंड दीज डिजीज आर स्प्रेड बाई एयर वाटर और फ्रॉम इन पर्सन टू हेल्दी पर्सन जैसे कि बैक्टीरियल डिजीज है टाइफाइड कलोरा इसमें आप वायरल डिजीज प्रोटोजोन डिजीज जो पीछे हमने पड़े उनके भी एग्जाम्पल्स हाथ में लिख सकते हैं वट आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस नॉन कम्युनिकेबल आर द डिजीज दैट डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन लाइक हाई ब्लड प्रेशर डायबिटीज कैंसर के अट्रैक्ट एक्सेट्रा And these are also called non-infectious disease. Is COVID an acute disease explain? Yes, because coronavirus can can cause illness ranging in severity from common cold to severe acute respiratory syndrome. So that's why it is a acute disease or is effects affects big time the body perhate. So this completes your worksheet. Thanks for watching. Do subscribe the channel. Thank you.